Deep in the heart of the Karakoram Mountains, there is a beautiful 7,000 meters high peak that has two names. From the Hunza side, it is called the Golden Peak, and from Baltistan side, it is called Spantik, which means little garden. In the summer of 2008, Asim, Thorsten and myself set out of Islamabad to climb this peak. This is the story of that expedition. स्कर्दू पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आज, शायद आज पहुंच जाएं। अभी तक 5:30 हो चुके हैं और हम सड़क पर ही हैं। मे बी रात 9-10 बजे तक हम स्कर्दू पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। कल लास्ट मोमेंट शॉपिंग करेंगे और परसों हम स्पंटिक की तरफ निकल जाएंगे। ओ, ये स्पंटिक किस चिड़िया का नाम है? ये आज हम चिड़िया, ये 2-4 दिन में हम देखेंगे किस चिड़िया का नाम है। ये चिड़िया नहीं है, ये बहुत बड़ा चील है। चील करने क्या जा रहे हो? मेरी वहाँ किराने की दुकान है, सामान लेके जा रहा हूँ। आप जैसे टूरिस्ट हजरात आते हैं तो उनको मैं बिस्किट बेचता हूँ। कहाँ पे? स्पंटिक बेस कैंप पे। गाड़ी में इस्लामाबाद से स्कर्दू तक का सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला है। गाड़ी में आपको तकरीबन 22 से 24 घंटे लगते हैं। इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। आज मोरखा 15 जुलाई 2008 है। हम लोग इस वक्त स्कर्दू में हैं और हम स्पांटिक की चोटी सर करने जा रहे हैं। वेलकम टू द एडवेंचर शो। कैन आई हैव माय वॉच बैक नाउ? या डूड, थैंक यू, यू कैन हैव योर वॉच बैक नाउ। बाय द वे, इस एक्सपीडिशन में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो क्लाइंबिंग पार्टनर्स भी हैं जो कि शो के मेहमान भी होंगे। पहले जो हमारे मेहमान हैं वो हैं थॉर्स्टन मार्को। हाय। I think me and Vajad, we have been planning this since 4 years or so. I mean, we became friends when I used to live in Pakistan. I'm not here anymore. And especially after I walked to the K2 base camp 2 years ago, I knew I really want to climb this mountain. And so I'm very happy that we finally put it together. And I hope we're going to have a great time as well. Thorsten, Spontek kis chidiya ka naam hai? What? Never mind. हमारे दूसरे मेहमान हैं जी, एसन हैदर साहब फ्रॉम लाहौर। ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं और अपना तारुफ खुद करवाएंगे। हाय, मेरा नाम एसन है, जैसे कि आप गुजराती में बताया। और वेल, मैंने वजात को मैं वजात से मिला था तकरीबन 2 महीने पहले, और वजात वाज प्लानिंग फॉर स्पंटिक एक्सपीडिशन। और फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड ऑन एंड सिंस देन वी हैव बीन प्लानिंग। आई डिड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस माउंटेन लास्ट ईयर,
but unfortunately I was not able to climb. Hopefully is saal hum log kar payenge. Yaar ye Spartik ka rasta kidhar se hai? Spartik main aaj tak gaya nahi hai sir, na Shikhar ki side pe hoga. Shikhar ki side pe ऊंचा पहाड़ है छोटा पहाड़ है पर वो पता नहीं है सर मुझे, ये पागल लोगों का काम है। पता नहीं सर, मैंने आज तक गया ही नहीं। शिखर साइड से मैं आगे गया ही नहीं है सर। वेलकम टू स्पार्टिक एक्सपेडिशन 2008, हैव फन। स्कर्दू बल्तिस्तान रीजन का सदर मुकाम है और जितने भी एक्सपेडिशंस कराकोरम माउंटेन रेंज में क्लाइंबिंग के लिए आते हैं वो अपने इंतजामी अमूर स्कर्दू शहर से ही तय करके आगे निकलते हैं। इस वक्त हम स्कर्दू के बाजार में मटर गश्त कर रहे हैं। एक्चुअली टॉसन वांट्स टू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ दैट ही रियली डजंट नीड एंड सो वी आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस लुकिंग फॉर व्हाट? आई नीड अ हैट। जर्मन चीज। जर्मन चीज, द जर्मन सॉसेज। आई डोंट फाइंड सॉसेज हियर, बट आई नीड एन आइस एग्स, अ लॉन्ग वन मेबी। आई थिंक योर आइस एग्स इज ऑलरेडी विद वजात। अब हो ये रहा है कि बेसिकली स्पार्टिक जाने से पहले लास्ट मिनट शॉपिंग बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वहाँ पे पहुँचे और पता चले कि हमें जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी वो नहीं है हमारे पास। सो वी आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस शॉपिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच वी एक्चुअली डू नीड। लेट्स गो। नॉर्दर्न क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, क्या हाल है आपका? ताला लगा हुआ था, अभी हम डाका डालने लगे थे वैसे। दिस इज फॉर बेबी मिल्क, इसमें दूध बना के इन बच्चों को पिलाएंगे। या यू गाइस वुड लाइक मिल्क ऑन बेस कैंप इन दिस होटल? यू कैन इस तरह के दो हैं हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन उनका साइज ये है, छोटी वाली है। ये रख लें। दिस लुक्स गुड मैन, यू लुक लाइक होसे पोंडेरोसा। Adiós, ahora pues. Ya no aguanto más esta situación, ¿verdad, Dios? Mira las cosas tal y como son. Yo ya no soporto. Washing powder. Glucose. Sabun. Meri naram jild ka raaz. हो गया सर जी। 476 रुपए की शॉपिंग। आपकी दुकान का नाम क्या? अमीन जनरल स्टोर। ये अमीन जनरल स्टोर से हमने शॉपिंग की है सर। आपकी तो बड़ी मशहूरी होगी है दुकान की, टीवी पे आएगी। बहुत मेहरबानी। That he could say, I'm ready now, I go up, or they say, you know, we're going to the summit now. Okay. Yeah, आप देख रहे हैं सारा सामान जो बिखरा हुआ है। ये थॉसन की चीज़ें पड़ी हैं, ये मेरी चीज़ें पड़ी हैं, ये देखें क्लाइंबिंग शूज, दुनिया का गंद इधर पड़ा हुआ है। अब ये सारे सामान को हमने सॉर्ट आउट करना है और इसको फिर हमने अपनी अपनी जगहों पर फिट करना है। लाइक क्लाइंबिंग गियर एक ड्रम में जाएगा, पर्सनल गियर उस बैकपैक में जाएगा। या दिस इज हाउ वी नीड टू मेक स्मॉल, वेयर द कपड़े पैक करने और गियर पैक करने के अलावा जितना भी खाना है वो सारा पैक करना पड़ेगा ड्रम्स के अंदर। और जो हमारे हाई एल्टीट्यूड हेल्पर्स हैं दीदार और करीम साहब, जिनसे अभी तक आप मिले नहीं हैं, अभी वो आ जाएंगे तो आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। आज ना हुई तो कल सुबह तो होगी, जब हम जीपों में बैठ के अरंदू की तरफ रवाना होंगे। वो सारा खाना आज तकरीबन पैक होना है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी वो सब कुछ जीपों में डंप करेंगे और सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और अरंदू पहुँच के सारा खाना गियर एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, पुट इनटू ड्रम्स, फिर वो ड्रम्स पोर्टर्स को असाइन होंगे।
हर ड्रम का वजन किया जाएगा 25 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं होना चाहिए. एक पोटो सिर्फ 25 केजी उठाता है. दिस इज़ अ लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट एंड आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन. लॉट ऑफ प्रिपरेशन kind of sucks, but this is how expeditions are run. I got these spare glasses, you know. Really funny. Cool. Yeah. Okay, now here is yummy. Ah, how do I get this? What's that? Scrambled eggs with onions in powder form. Oh. That's bad. That must be horrible. Man, I don't want to see that. Scrambled eggs with onion. It's more like it. Chicken soup is noodles. Yeah, that's good. Ye hai chocolate muesli with milk. Basically, ये जो लफाफा आपको नज़र आ रहा है ये हाई अल्टीट्यूड का खाना है. जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो आप ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकते. ये बहुत लाइट है, बहुत हल्का है. आप ये करते हैं कि इसके ऊपर से स्ट्रिप फाड़ के इसको आप गर्म पानी में डुबो के 5 मिनट के बाद निकालते हैं तो इसके अंदर जो फूड है वो रेडी होता है. बस आप खाएँ इसको आराम आराम से. वैसे बाय द वे आपस की बात है कि हाई अल्टीट्यूड पर खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता और ख़ास तौर पे ये अंग्रेज़ी फ्रीज ड्राइड खाना जो है. एनीवे हाई अल्टीट्यूड स्निकर्स आई जस्ट डू नॉट लाइक स्निकर्स. आपको एक और चीज़ दिखाते हैं. कम ये देखें जी, ये K2 मोटेल जो कि एक बहुत ही तारीखी होटल है. यहाँ पे जितने भी एक्सपीडिशंस पुराने ज़माने से आज तक क्लाइंबिंग के लिए आते हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं ज़्यादातर और फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं अपने पहाड़ की तरफ. बहुत लेजेंडरी और बहुत ही तारीखी जगह है K2 मोटेल. और आपको जैसे नज़र आ रहा है पूरे कॉरिडोर्स के अंदर दे हैव दीज बोर्ड्स विद एक्सपीडिशन पोस्ट कार्ड्स एंड मेमोरेबिलिया स्टक हियर. Yeah, we have the Pak German Spontic Expedition 2008. Yeah, this is Pak French Spontic Expedition. ये देखें जी, नासिर अवान थे इसमें, उमर अजीज, कुदरत. ये एक और Spontic Expedition. ये देखें, ये है जी कैंप 3 के पास. ये दो खवातीन चढ़ रही हैं Spontic 7027 near कैंप 3. एनीवे इसी तरह बहुत सारे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं पूरे कॉरिडोर्स के अंदर जहाँ पे लोगों ने सारे अपने एक्सपेडिशंस ने अपना मेमोरेबिलिया यहाँ पे चिपकाया हुआ है. लेट्स सॉर्ट मोर स्टफ. वी कैन लुक एट द पिक्चर्स लेटर. गुड मॉर्निंग. थॉर्स्टन के साथ रह रहे कि मैंने भी काफी जर्मन सीख ली है. द डी डे हैज अराइव्ड. वी आर ऑफ टू क्लाइंब Spontic पीक. Thorsten is brushing his teeth. Essen is ghaib as usual. Jeeps are ready. Let's rock and roll. Assalamu alaikum. Kareem saab, kya haal hai? Khair khairiyat. Didar. Piyal bila kako. Kako. Piyal bila. Karriere. Good morning. Ja, danke, sehr gut, alles klar. Good morning. Good morning. What's the date today? 16th. Aaj 16 tarikh hai. Jeepen taiyar hain. Sara samaan load ho chuka hai. Abhi hum ja rahe hain Arandu. Baral, this is the beginning of the expedition. This is the D-Day. And we are all ready. ये हमारे हाई अल्टीट्यूड हेल्पर होंगे करीम साहब. ये दीदार है, ये भी हाई अल्टीट्यूड हमारे हेल्पर हैं. ये हमारे साथ क्लाइम करेंगे. ये हमारे कुक हैं और ये हमारे कुक के साथ हेल्पर होंगे. दिस इज़ आवर जीप. चलें जी.
Let's rock and roll. स्कर्दू से निकलने के बाद हमारी पहली मंजिल अरंदू थी। वादी शिगर से होते हुए स्कर्दू से अरंदू विलेज तक का सफर तकरीबन 7 घंटों पर मुश्तमिल है। अरंदू तक का सफर बहुत खूबसूरत मगर इसका जीप ट्रैक काफी दुश्वार गुजार है। Chitron. What does that mean? It means hot springs. We have some hot springs over here. So we can have some bath in the hot springs. All right. And get fresh. Get fresh and hot. Yep. ये जगह है जी चित्रौन। हम तकरीबन 3 घंटे अरंदू से पहले हैं और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं काफ़ी सारे। बाकायदा उन्होंने ऊपर छत बनाया हुआ है हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर और अपनी पूरी प्राइवेसी में यहाँ पे आप हॉट बाथ ले सकते हैं। सो व्हाट यू से बिफोर वी हिट द फूड वी शुड गो फॉर अ हॉट डिप। लेट्स हैव अ डिप। यस लेट्स हैव अ डिप। ये देखिए जी हॉट स्प्रिंग ऊपर छत बनी हुई है। अरंदू गांव से तकरीबन 3 घंटे पहले ये चित्रौंग नामी एक गांव है जहां पर गर्म पानी के चश्मे हैं। आसपास के गांव से लोग यहां पर आकर नहाते हैं। ये कुदरती तौर पर गर्म पानी जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए काफ़ी मुफीद समझा जाता है। We have some cold springs also. क्या कर रहा है? Exactly. No more warm water. It's true. What Thorsten has said, 3 hafte tak nahane ka koi seen nahi hai. So enjoy as long as it lasts, boys. अरंदू विलेज और 7 घंटे की ड्राइव के बाद स्कर्दू से निकलने के बाद हम लोग अरंदू विलेज पहुंच चुके हैं। ये कैंपिंग साइट है। आज हम इधर रहेंगे, अपना सामान सॉर्ट आउट करेंगे, पोर्टर्स यहां से हायर करेंगे, पोर्टर्स को सामान एलोकेट होगा और कल हम यहां से अपना वॉक शुरू करेंगे टूवर्ड्स पॉन्टिक बेस कैंप। You are so funny, Thorsten. No, but it's perfect. This is our campsite. And tomorrow, we'll pack up here and
base camp ki taraf ravana honge. Do you like the campsite, Thorsten? Yes, we have to clean this up a bit so we don't sleep directly on the stone. Yeah. No, that's what they do, they're cleaning the stone. Wow, this is beautiful, love. We are in the realm of the mountains, look.